संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा सेलवासना कला केन्द्रों खाते योजायेला एक कार्यक्रम में उद्योगों ने प्रोत्साहन पूरू पाड़वा माटे रूपया 19 करोड़ की सबसिडी आपवामां आवी हती। संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा औद्योगिक विकास ने प्रोत्साहन आपवा माटे सबसिडी योजना शुरू करवामां आवी छे। जे अंतर्गत कला केन्द्रों खाते योजायेला कार्यक्रम में 52 उद्योगों लाभार्थी ने 19 करोड़ की सबसिडी आपवामां आवी हती। आ कार्यक्रम में प्रशासन ना अधिकारियों तेमज औद्योगिक एसोसिएशन ना सभ्य उपस्थित रहा था। प्रमोशन स्कीम में 2015 में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की थी और हमारे प्रशासक महोदय जी के मार्गदर्शन में ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में यहाँ इंडस्ट्री वालों को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये स्कीम खासकर स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए तो एक बहुत ही बड़ी एक वरदान साबित हुई है। हम लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि एक छोटे व्यापारी के लिए एक खासकर ये कोरोना काल से हम लोग निकले हैं उसमें हमको एक थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाए थोड़ा सा एक लाभ मिल जाए तो इंडस्ट्री एक मजबूत तरीके से और खड़ी हो जाती है। साथ के साथ नया इन्वेस्टमेंट आता है। मुझे लगता है जब से स्कीम चालू हुई है स्कीम की बदौलत ही हमारे संघ प्रदेश में 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आया है जिससे लोगों को रोज़गार मिला है, लोगों ने एक्सपेंशन किए हैं, मॉडर्नाइजेशन किए हैं और हमारे जो नियर बाई स्टेट हैं वहाँ भी ये इस तरह की स्कीम है लेकिन हमारी स्कीम उनसे काफ़ी प्रभावी है। और जैसा कि आज सलाहकार महोदय ने जो आज आश्वासन दिया है कि जैसे स्कीम ही ख़त्म हो रही है तो आगे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस पर पूरा काम करा रहे हैं और हमारे उद्योग जगत के लिए स्पेशली मीडियम और स्मॉल के लिए वो एक नई स्कीम जल्दी लेके आएंगे जिसको हम उनको दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान से उनसे इस तरह की स्कीम हमको सबको उद्योग को मिलती रहे और सब इसका लाभ लेते रहें। थैंक यू। आज प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए और सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और टेरिटरी का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो उद्योगपतियों को हम जैसे इन्वाइट करते हैं यहाँ पे और एक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2015 से चल रहा है उस स्कीम के तहत आज बहुत ही अधिक संख्या में आज तक जो स्कीम की इतिहास में नहीं हुआ इतनी अधिक संख्या में एप्लीकेशंस को माननीय प्रशासन जी ने अप्रूव किया है और करीब 19 करोड़ 83 लाख का वितरण किया जाएगा इन यूनिट्स को। ये कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी गर्व की बात है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए इतना आगे जाके कर रहे हैं और भी उम्मीद है और भविष्य में और भी अच्छे से प्रोत्साहन के साथ टेरिटरी का ओवरऑल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ को और हम यहाँ पे बुलाएं और वो टेरिटरी का ओवरऑल डेवलपमेंट में सहयोग दें। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5-6 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि उद्योगकर्मी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग और इंडस्ट्रीज़ को और टैक्स पेयर को इतना सम्मानित किया जा रहा है अपने अपने ढंग से। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उद्योग और उससे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे हमारे बड़े भाई साहब अजीत यादव जी ने कहा कि ये एक संजीवनी की तरह है जो आज उनको सब्सिडी दी गई कैपिटल सब्सिडी और डिफरेंट सब्सिडी जो 2015 के बाद से ही सब चालू हुई चीज़ें इंसेंटिव देने की। तो ये उद्योग में जैसा 2 साल में अपने देखा कि पैंडमिक पीरियड को उद्योगों की हालत बहुत या दूसरे व्यापारों की भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी तो ऐसे में सब्सिडी पाना कैश सब्सिडी मिलना उद्योगों के लिए बहुत अच्छी बात है और वेलकम है। हम कहते हैं वेलकम नोट सही है, इसको अच्छे रूप में लेना चाहिए और उद्योग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे क्योंकि जो उद्योगों के लिए वातावरण जो हमारे माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने यहाँ वातावरण उद्योगों के लिए बनाया हुआ है हर तरीके से वो काफ़ी हद तक दूरगामी इसका परिणाम आएगा और उद्योग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और यहाँ का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा है। थैंक यू।